गुड इवनिंग। हाँ चलिए, स्वस्ति बताइए कहाँ तक हुआ था। सर ग्लूकोज स्टार्ट करा दिया था, उसमें बस एचआई के साथ रिएक्शन लगाया था लास्ट। अच्छा, ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज एनहेक्सेन बना था, नहीं। अच्छा यस सर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। उसने पहला पार्ट, व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज विथ Br2 वाटर देन इट गिव्स ग्लूकोरिक एसिड which is also called saccharic acid. CHO है, CHOH, CH2OH. आपके पास Br2 वाटर के साथ रिएक्शन है, तो देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। इससे ये साबित हुआ कि इस ग्लूकोज में एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है। दिस रिएक्शन शोज दैट ग्लूकोज कंटेन्स Only aldehyde group, only one aldehyde group. लिख लिया, डन सर। थैंक यू। इसी का बी पार्ट है, ऑक्सीडाइज विथ ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज concentrated HNO3 then it gives gluconic acid. जैसे अगर आपके पास
सी एच ओ है, सी एस टू ओ एच है, कंसंट्रेटेड एच एन ओ थ्री है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी एच ओ एच, अब ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होगा। सेकेंडरी अल्कोहल तो ऐसे भी पढ़ चुके हैं आप, ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है। निकले सारे लोग, दिस रिएक्शन शोज दैट ग्लूकोज कंटेन, आवाज आ रही ना मेरी साइंटिस्ट लोग? यस सर। कंटेन वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, निकलिए तो बताइएगा। अब आइए तीसरा रिएक्शन लिखिएगा, असाइलेशन। व्हेन ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सब है, कम मेहनत में ये ज्यादा नंबर देगा आपको ये चैप्टर। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड या अनहाइड्राइड, देन इट गिव्स पेंटाएसीटेट। तो देखिए कैसे देगा, एच है आपके पास सी एच ओ एच थ्री है, सी एच टू ओ एच है आपके पास, सी एल देखिए एसीटाइल क्लोराइड है, समझाने के लिए मैंने उल्टा लिख दिया। देखिए इस, अब बताइए इस तरह के कितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं इसमें, सारे लोग बताइए इस तरह के कितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं इसमें। फाइव, इसका मतलब पांच, इसलिए पेंटाएसीटेट बोला गया। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, समझा, ओ ए सी शॉर्ट फॉर्म में फोर एम सी एस टू ओ ए सी, AC means यहाँ पर है COCH3। Did you understand everyone? Yes sir।
यस बहुत अच्छे आदमी आप लोग लिखे हैं। निकले तो बताइए। डन सर। थैंक यू वेरी मच। यस अब आइए चौथा। देखिए मैंने कहा इसमें चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन है तो कुछ रिएक्शंस थर्ड चैप्टर की हैं, तो मैं साइड में पहले कुछ समझा दूंगा। देखिए रिएक्शन विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, देखिए चूंकि आप थर्ड चैप्टर पढ़ा नहीं है इसमें थोड़ा सा आपको अलग से, यहाँ देखें कोई भी CO ग्रुप जब भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शंस करेगा तो याद रखिए दिस इज आसान रिएक्शन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो सी पर OH और उसी कार्बन पर साइनाइड आएगा, तो इस कंपाउंड को कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन आप पढ़ेंगे तो ग्लूकोज जो है डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछेगा ग्लूकोज फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन विथ HCN। विथ HCN तो अगर आपके पास COH है CHOH है एंड द CH2OH है, आपको एग्जामिनर दे देगा HCN के साथ रिएक्शन, तो कोई बात नहीं ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो C पर OH C पर साइनाइड उसी कार्बन पर, बाकी एज इट इज रहेगा। बोलिए हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना थिंकर लोग? बोलिए यस सर। थैंक यू वेरी मच। लिख लिया तो बताइएगा। लिख लिया सर। फिफ्थ ये है, ये भी थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की कुछ बातें
इसमें आएंगी कुछ बातें रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़े हुए होते या आप तो हर जगह, आप लोग तो टॉपर हैं, आप तो सारी बुक पढ़ चुके हैं आप लोग अब तक, तो यहाँ देखें हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है, तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शंस करता है तो कुछ मत कीजिए, वाटर को हटा दीजिए H2O और एज इट इज लिख दीजिए, दिस इज कॉल ऑक्साइम। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन में बहुत सारी अच्छी अच्छी रिएक्शंस आएंगी, तो ग्लूकोज पूछेगा कि ग्लूकोज जो है फॉर्म्स ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, तो आपको रिएक्शन दे देगा CHO CHOH और है CH2OH है, आपको देगा NH2OH है तो CH डबल बॉन्ड NOH, बस यही स्टाइल कर देना है, बाकी एज इट इज रहेगा। बोलिए थिंकर लोग, बोलिए आ रहा है ना समझ में थिंकर? हेलो एवरीवन, वेरी गुड, ये आपका हो गया ऑक्साइम, हो गया वाटर को हटा के एज इट इज लिख दीजिए। बोलिए साइंटिस्ट लोग। डन सर, थैंक यू। चलिए ये इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, अब आइए कुछ बातें आपको दिमाग, ये क्या याद रखना है गौर से सुने। हम लोगों ने ग्लूकोज का अब तक ओपन चेन स्ट्रक्चर्स पढ़ा, तो आपने देखा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, चूंकि आप थर्ड चैप्टर पढ़ा नहीं है, देखिए जिसमें भी एल्डिहाइड, सुनिएगा अच्छे से, और कीटोन होता है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शंस करता है, वो शिफ्ट्स रिएजेंट क्या होता है वो तो बढ़ेंगे आप, इसके साथ भी रिएक्शंस करता है, 2,4-DNP इसके साथ भी रिएक्शंस करता है, इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं रिएक्शन करता है, लेकिन कहा ये गया कि इसमें इनस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड शिफ्ट्स बेस एंड 2,4-DNP, क्यों नहीं करता उसका रीजन तो बाद में देखेंगे, तो इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस, तो एक रीजन तो ये था कि भाई एल्डिहाइड होने के बावजूद ये रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इसका क्लोज चेन बनाओ, क्लोज चेन बनाएगा तो CHO गायब होगा, इसका मतलब होगा तभी रिएक्शन नहीं किया, अगर एल्डिहाइड ओरिजिनली फॉर्म में अगर होता तो ये जरूर रिएक्शन करता। तो अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, अब तक जो पढ़ा ग्लूकोज के बारे में वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स पढ़ा, व्हाई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज कंसीडर्ड, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज कंसीडर्ड होने की दो मेन वजह है, पहली वजह कि एल्डिहाइड होने के बावजूद ये रिएक्शन क्यों नहीं करता, जबकि केमिस्ट्री कहता है कि जिसमें भी एल्डिहाइड कीटोन होगा उनको इन तीनों के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए, जबकि ग्लूकोज नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई CHO इसमें नहीं है, और CHO तभी नहीं होगा जब इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, पहला। दूसरा कि ग्लूकोज के दो आइसोमर्स होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, ये ओपन चेन से अब तक नहीं आया, अब तक आप सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं अब पिछले क्लास से,
Why glucose exists in two crystalline form, alpha glucose and beta glucose? These two result is not explained by open chain structure. That's why cyclic structure of the glucose is considered. Hello everyone, क्या मेरी तकरीर समझ में आई? भाषण कुछ आया समझ में? Hello. आया सर. ये स्वस्ति क्यों नहीं बोल रही है? स्वस्ति भंडारी बोले. Yes sir, आ गया. हाँ तो अब तक हम लोगों ने ग्लूकोज के किस स्ट्रक्चर को पढ़ा? ओपन को कि क्लोज को? ओपन. बहुत तेज हैं आप. वेरी गुड. नोट लिखें. पहला पॉइंट, इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप in glucose does not give test या react कुछ भी कहिए does not give test with NaH NaS SO3 sodium भाई objective में पूछा जाएगा किसके साथ react नहीं किया 2,4-DNP, dinitrophenylhydrazine and Schiff's reagent या Schiff's base. पहला. दूसरा, glucose exists in two different crystalline form. पहला अल्फा ग्लूकोज, दूसरा बीटा ग्लूकोज. इसलिए बताइए. यस. रिजल्ट ये हुआ है कि नाम छोड़ के स्टार पॉइंट एबफ रिजल्ट डज नॉट एक्सप्लेन द open chain structure. Therefore, cyclic structure of glucose is considered.
लिख लिया, बोलिए ना। यस सर। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सारे लोग ध्यान दें। आपको मालूम है ये एल्डिहाइड है, सारे लोग ध्यान देंगे। इस कार्बन पर OH है और मैंने कहा था थर्ड कार्बन पर कन्फिगुरेशन चेंज होता है, क्योंकि इसके तो बहुत डिफरेंट फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के, बाकी OH एक ही साइड में रहेगा। तो देखिए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सारे लोग ध्यान दें। CH2OH है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये है तो देखिए इस कार्बन पर देखते रहिएगा, इस कार्बन पर OH और H, कार्बन पर OH और H है, थर्ड कार्बन पर OH इधर H इधर, C पर OH H and OH। अब ध्यान दीजिए ये जो कार्बन है इसका O के साथ इस कार्बन का बॉन्ड, देखिए क्लोज चेन बन गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस। अब देखिए इधर सुनिए, अब आप एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कार्बन इज sp2 प्लेनर है, आप इधर भी तो लिख सकते हैं, सेम प्लेन में किधर भी लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो जल्दी बोलिए। यस सर। तो जब इस तरह लिखेंगे तो अब OH इधर आ जाएगा, इसलिए कहा गया कि इसको कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी, कैपिटल डी का मतलब बताएंगे, प्लस का मतलब कि डेक्सट्रोटोट्री, डी क्यों लिखा गया वो भी बताएंगे, डी कन्फिग्रेशन को बताता है। तो अब देखिए इस कार्बन पर OH इधर हो जाएगा, तो फर्स्ट कार्बन पर कन्फिग्रेशन को जो चेंज होता है उसको हम एनोमेरिक एनोमर्स कहते हैं, एनोमर्स। इसलिए पूछा जाएगा अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज क्या, तो एनोमेरिक टू ईच अदर, एनोमर ऑफ ईच अदर, सी एच ओ एच है आपके पास, ये जो सी है एच है, सी एच टू एच। देखिए फर्स्ट कार्बन पर कन्फिग्रेशन चेंज, इसलिए बीटा ग्लूकोज, इसलिए देखिए दो डिफरेंट फॉर्म आ गया इसका, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। हेलो एवरीवन, लिख लिया? डन सर। डन सर। हाँ ये क्या नाम है इनको, इन्होंने लिखा है, क्या नाम है इन साइंटिस्ट का? यस सर लिख लिया। A lot of thanks.
अब देखिए इसको हम इसको और ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए के हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला कि हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, हार्वर्ड एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या किया, एक मिनट में जाइएगा, हाँ साइंटिस्ट कैन यू हेयर मी, बोलिए। यस सर। तो देखिए हार्वर्ड प्रोजेक्शन, देखिए पायरोन ऑर्गेनिक में कंपाउंड होता है पायरोन, इस पर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब इसमें ओरिजिनली देखेगा क्लोज चेन एकदम, तो देखिए इस पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया, सारे लोग ध्यान दें, तो देखिए ये ऊपर रहेगा फर्स्ट कार्बन HOH, थर्ड कार्बन पर OH ऊपर था HOH। आप तो ओरिजिनली लग रहा है ना क्लोज चेन, हेलो एवरीवन, हेलो बोलिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दिस इज कॉल्ड अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोज, पायरानोज पर प्रोजेक्ट करने की वजह से, तो आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही बोल सकते हैं, बाकी बीटा में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर कंफिगरेशन चेंज होगा, ऊपर OH होगा। हेलो एवरीवन, सही कहा कि नहीं, हेलो सुनिए ना, बट आवाज तो आ रही है, सबको समझ में भी तो आ रहा है ना, थैंक यू। अब यहाँ देखेंगे तो CH2OH है और एच है, इसको कहेंगे बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोज। देखिए The two cyclic structure of glucose differ only in the configuration of hydroxyl group. At C1 called enomer, enomeric carbon. इसलिए कहा गया conclusion के alpha glucose and beta glucose जो हैं आर एनोमर्स, एनोमर्स की मीनिंग मैंने समझा दी, बताइए समझ में आया एनोमर्स की मीनिंग, फर्स्ट कार्ब का कॉन्फ़िगरेशन पर हाइड्रोजन ग्रुप का चेंज होना। अरे कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, आ रहा है ना समझ में? यस सर आ रहा है। यस सर, थैंक यू, आप लोग तो अच्छे आदमी हैं।
सर आपने ये क्या लिखा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट के बाद एट C1 है ना, ये C1 पर है, फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, और जिसकी वजह से अल्फा ग्लूकोज चार ऑप्शन दे देगा, पोजीशन आइसोमर ये सब दे देगा, कहेगा एनोमर्स टू ईच अदर। ओके साइंटिस्ट, यस थैंक यू। निकलिया बोलिएगा। डन सर। सब लोगों का हो गया। थैंक यू। अब आइए फ्रक्टोज पर। अच्छा ये याद रख लीजिएगा, कि मैंने आपको कहा था कि एक होता है रिलेटिव कन्फिगरेशन, जब आप ऑर्गेनिक जो मैंने शुरुआत की थी आरए सिस्टम रिक्टस सेमेस्टर, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव कन्फिगरेशन। रिलेटिव कन्फिगरेशन में किसी को कहते हैं डीएल सिस्टम, तो दिस नोमेनक्लेचर इज यूज्ड। कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड, देखिए इसमें क्या है, इफ ओएच ग्रुप अटैच टू कार्बन adjacent to CH2OH is on right side, is called deconfiguration. Capital D.
क्लियर। हेलो एवरीवन, लिख लिया? डन सर। इसका मतलब यही हुआ कि देखिए यहाँ सी एच ओ है, ग्लाइसरल डिहाइड को हम रेफरेंस लेते हैं, देखिए ये सी एच टू है, तो बताइए ओ एच अटैच टू कार्बन एडजेसेंट, तो इसको कहेंगे डी कन्फिगरेशन। यही आपके पास सी एच है, OH है और यहाँ H हो जाएगा, लिख लिया? आंसर। इसीलिए अब देखिए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, तो फ्रक्टोज जो है ये भी वही है कि इट इज कीटो हेक्सोस, कीटोहेक्सोस एंड लेबोरेटरी नेचर। Is natural monosaccharide found in fruits honey and vegetable. इसका भी स्ट्रक्चर वही है, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे सी एच टू ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ, थर्ड कार्बन पर कन्फिगरेशन हुई इधर, ये ओ एच यहाँ पर पूछ लिया, यहाँ तक तो लिख लिया होगा आपने। यस। अब देखिए सी एस टू ओ एच है आपके पास, ये है कीटो हेक्सोस, उसी को कहते हैं। इसमें भी वही, फिर अगेन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसका भी हम लोग करेंगे कि देखिए सी पर ओ एच इधर, तो इधर सी एस टू ओ एच हो जाएगा, बाकी एज इट इज एच ओ एच। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज,
लिख लिया? यस में हम एक आपने 11th में पढ़ा था फुरॉन, फुरॉन पर हम लोग प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पर आपके पास है, उसी तरह चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ CH2OH OH 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 This is called alpha D minus fructofuranose, फुरानोज पर प्रोजेक्ट की वजह से। ये भी एनोमेरिक होगा, फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज, अब यहाँ पर OH यहाँ CH2OH यहाँ। तो ये लिख लिया? डन सर। थैंक यू। ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट खत्म। अब आइए अमाइनो एसिड। देखिए द कंपाउंड compound having carboxylic group and amino group is called amino acids. जिसमें देखिए कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। दिस इज काइरल सेंटर, हो भी सकता नहीं भी। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये है मेन जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर है? अब बताइए अमीनो एसिड, एसिड ये मत समझिएगा एसिड के नाम से एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 पे, अभी तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे,
तो अमीनो एसिड जो होते हैं बेसिकली एसिड भी होते हैं बेस भी होते हैं, तो अमीनो एसिड्स में भी एसिड डिपेंड करेगा कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तो भी सबसे सिंपलेस्ट चीज बताई गई है, में भी एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल। ऐसा पूछता है कौन बेसिक है कौन, ये सब आपको नाम बताए जाएंगे, स्ट्रक्चर भी लिख लिया सारे लोग आए ना। यस, इसलिए कहा जाता है कि अमीनो एसिड जो होते हैं एग्जिस्ट एज ज्यूटराइन। देखिए ज्यूटराइन तभी एग्जिस्ट कर बिकॉज इट कंटेन्स वन एसिडिक एंड वन बेसिक ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में अगर एसिड हो तो हर उस जगह का कंसेप्ट होता है ज्यूटराइन। ज्यूटराइन हर उस जगह होगा जहां एक ही ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में एसिड और बेसिक ग्रुप रहे, समझा? तो H प्लस ट्रांसफर होने की वजह से यहां देखिए C पर O माइनस तो सॉल्ट बना देगा, इसको डाइपोलर आयन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन हर उस जगह होगा जहां एक ही मॉलिक्यूल में एसिड और बेसिक ग्रुप, बताइए क्या इसमें ज्यूटर आयन होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। ये NH2 है, ये सल्फोनिक है, बताइए क्या इसमें ज्यूटर आयन का कंसेप्ट हो सकता है, तो बताइए ये बेसिक ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, यहाँ भी एसिडिक यहाँ भी ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट होगा, हाइड्रोजन एसिड से ट्रांसफर होगा बेस की तरफ जाएगा और विथिन द सेम मॉलिक्यूल डाइपोलर आयन बन जाएगा। तो ज्यूटर आयन का कंसेप्ट हर उस मॉलिक्यूल में होता है जिसमें एक एसिड और एक बेसिक एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो। क्या आप सबको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट। इसलिए आप बोलिए साइंटिस्ट। यस यस। अब देखिए एक मिनट, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स पूरे बॉडी में हमारे 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें कुछ 10 जो हैं वो एसेंशियल हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बनेगा, बाकी सब थ्योरी है, आपको आना चाहिए। थोड़ा सा जो टिपिकल है जिसमें स्टूडेंट को परेशानी होती है इसके स्ट्रक्चर सब में, वो यहीं से आएगा। और सबसे अच्छा फेवरेट टॉपिक है ये कॉम्पिटिशन का, खासकर जी मेंस का, काइरल वगैरह सब यहीं से आता है, कौन ज़्यादा एसिडिक है वो यहीं से आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो कॉम्पिटिशन का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, एवरी डे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स। देखिए कुछ अमीनो एसिड ऐसे होती हैं जिसको हमारी बॉडी, दो मिनट सुनेंगे, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जब हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा एसेंशियल, द अमीनो एसिड विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल एंड नीडेड
थोरो यानी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड थोरो डाइट, नॉन एसेंशियल ऐसी होती है जिसको हमारी बॉडी डेंसल प्रोड्यूस कर लेती है, इसलिए बाहर हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में बात आ रही है ना साइंटिस्ट? यस सर। ए लॉट ऑफ थैंक्स। तो आप बताइए, समझ में आएगी नहीं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल? यस सर आया सर। अमीनो एसिड्स इस चैप्टर में एफर्ट कम मैक्सिमम नंबर, इसी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। अमीनो एसिड पढ़िए, बहुत अच्छा आएगा, मजा भी आएगा, आपको जल्दी जल्दी याद भी होगा। अमीनो एसिड विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल एंड needed needed externally through that. आया समझ में? बताइए। हेलो एवरीवन। यस आया सर। ये जो अगर आपको है तो आप इसमें देखिए, 20 जो 10 10 जो आपके पास हैं, तो आप इस पर देखिए। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाई वालों को तो ये सब नाम याद हो जाता है जल्दी जो उसी है। तो देखिए, सबसे पहले अब आइए एग्जांपल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसको याद रखने का तरीका है, वीआईपी हॉल में टीटी। तो आपको 10 इसमें, आप इसकी प्रैक्टिस का, इसका स्ट्रक्चर को याद करने का तो दूसरा ट्रिक्स मैं दूंगा। पहले तो आप याद करना एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन है। वैलीन, आइसोल्यूसीन,
फिनाइल एनिलीन एच जो है हिस्टिडीन, ए जो है अर्जिनिन, एल जो है ल्यूसीन, ये जो एल है लाइसीन, एम जो है मिथियोनिन, अब दो टी जो आ गया इसमें ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ये 10 ऐसे हैं जो आपको ये हैं। समझ गए ना साइंटिस्ट, कुछ तो बोलिए। यस हम्म